हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो हमारे पास है अभी न्यू पल्सर 125 और स्प्लेंडर। तो देखते हैं अभी इसका कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं क्या क्या मतलब इसका डिसएडवांटेज है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो अभी आप लोग को दिखाते हैं। तो देख रहे हैं मतलब मॉडिफाई करवाने के बाद इस तरह की लुक लग रही है पल्सर, और हमारे पास है स्प्लेंडर। देख रहे हो क्या मतलब दोनों की दोनों एकदम मस्त लुक में लग रही है। चलो दिखाते हैं आप लोगों को, इसका फ़ायदा दिखाते हैं पल्सर का। भाई पल्सर जो है चलाने में एकदम ख़तरनाक लगती है, जो मतलब फैमिली के लिए भी ये पल्सर मस्त है, एक नंबर का। और जो हमारे जो हैं पल्सर जो हमारे हैं और वो सोनू भाई का है। सोनू भाई तो उधर अभी थोड़ा काम बिजी है, तो आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा देरों के बाद आप लोगों से मिलाते हैं। और ये हमारा पल्सर है, तो हम इसका फ़ायदा दिखाते हैं। भाई आप लोग को देख रहे हो ये मतलब सीट जो है ना, आप लोग को फ़ायदा देगा, क्योंकि मतलब फैमिली के साथ भी चला सकते हैं, जा सकते हैं कहीं पर भी। और जो डबल सीट वाले होते हैं उसका मतलब फैमिली के साथ जाने में तो जा सकता है, लेकिन तीन आदमी बैठने में बहुत दिक्कत आती है। और हमारे पास तो फिलहाल दो ही गाड़ी हैं। देख रहे हो मॉडिफाई स्प्लेंडर भी ख़तरनाक लगती है जहर देखने में मॉडिफाई करने के बाद। और हमारा पल्सर जो है मतलब चलाने में बेस्ट है, तो आप लोग पल्सर के साथ जा सकते हैं। और आप लोग को क्या कंपेरिजन वीडियो देखना है आप लोग जरूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मतलब देख मतलब वेट में बहुत ज़्यादा होता है पल्सर, और स्प्लेंडर तो थोड़ा बहुत कम होता है वेट में। वेट चलाने में भी कंफर्टेबल दोनों बाइक है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन पल्सर 1 लाख से कम में जाना है तो आप लोग स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं, और 1 लाख से प्लस जाने हैं तो पल्सर के साथ आप लोग जा सकते हैं। और फिलहाल तो इनका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। और ये जो है पल्सर का मतलब ज़्यादा हाइट में पार करने में दिक्कत आती है, ये जो है ये सट जाती है नीचे वाली ये, और ये भी सटती है। आप लोग ज़्यादा मतलब पल्सर भी ठीक ठाक है, लेकिन कोई बात कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसका। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। और ये ब्रेकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करती है और गियर शिफ्टिंग में। ये पल्सर 125 2024 मॉडल है। तो स्प्लेंडर के बारे में बताएं तो ये भी ख़तरनाक बाइक है, चलाने में एकदम स्मूथ लगती है, और दोनों के दोनों एक ही लेवल की बाइक है। लगभग ये 100 cc की बाइक और ये 125। और स्प्लेंडर चलाने में तो आप अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, और इसका टेस्ट आप लोग को करवाना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पल्सर के बारे में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।